हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KJ रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का लेक्चर 3। क्लियर? तो अभी तक हमने एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेशन समझ लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए हैं। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि एरर्स क्या होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं, उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है ना, उनको देखते हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? देखो कि अगर आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए कि उसे डिनोट किससे कहते हैं। क्लियर? अगर आपके पास एक एक्स क्वांटिटी है तो डेल एक्स को उसकी एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्लियर? और एक्स में अगर बात करी जाए रिलेटिव एरर, किसकी रिलेटिव एरर की बात की जाए, तो वो क्या होती है, डेल एक्स एब्सोल्यूट एरर में आप क्या करें, एक्स से क्या करा दें, डिवाइड करा दें। क्लियर? तो यहीं पे अगर बात कर ली जाए परसेंटेज एरर की, क्लियर, तो इसको समझने पहले, आप परसेंटेज एरर को समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझिए, ठीक है, आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके कोई एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन आपका 500 टोटल मार्क्स हैं, ठीक है ना, टोटल मार्क्स कितने हैं 500, ठीक है ना, और आपने ऑब्टेन कितने किए, आपने ऑब्टेन किए 400, आपके ऑब्टेन कितने हुए 400। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी परसेंट अचीव की, कितनी परसेंट बनाई, तो किस तरीके से निकालते हैं आप, आपने जितने ऑब्टेन किए टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से अगर कैंसिल कराएं तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितने बार में कटेगा 20 टाइम में, तो यहाँ से आपकी 80% आपने अचीव किया। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरीके से परसेंटेज निकालते थे। तो अब यहाँ पर परसेंटेज एरर, किस में परसेंटेज निकाल ली है, एरर में परसेंटेज निकाल ली है, तो एरर हमारी क्या है, डेल एक्स। क्लियर? और टोटल क्या था वैल्यू, एक्स था, और परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ए हमारी क्या हो गई, परसेंटेज एरर। क्लियर? सिंपल चीज़ है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई है, बेसिक है, टर्मलॉजी आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे। क्लियर? टर्मलॉजी समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं, डेल एक्स को। क्लियर? रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं, डेल एक्स अपॉन एक्स को। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूँ तो क्या है हमारी, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्स इंटू 100, या इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100। क्लियर? क्लियर हुआ टॉपिक? तो यहाँ पर बस वही सब चीज़ें लिखी हैं जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की है। क्लियर? एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज डेल एक्स। क्लियर? यहाँ पर रिलेटिव एरर इन एक्स इज डेल एक्स अपॉन एक्स। ओके, एंड परसेंटेज एरर क्या है, डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? एक क्वेश्चन के थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड, ध्यान से पढ़िएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर? फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स एंड एन एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब। क्लियर? अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्रम से पढ़ना है, ठीक है ना, एक एक करके पढ़ना है। उन्होंने बोला एक क्यूबिक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, तो बना लेते हैं हम, ठीक है, जो वर्ग से एक बॉक्स बनता है ना, स्क्वायर से, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्यूबिकल बॉक्स। इस तरीका का हमने एक क्यूबिकल क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया। ओके, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है, ये हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स। ओके, अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर इसकी जो साइड है उसमें परसेंटेज एरर कितने की हो जाए, 1% की। क्लियर?
तो इसके वॉल्यूम में एरर कितने हो जाएगी, कितने परसेंट की होगी? अगर हमने इसकी साइड मेजर की, मतलब और साइड मेजर करने में हमें एरर कितने की हो गई, 1% की, तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम में भी एरर होने वाली है। तो वो यही पूछ रहा है कि इसकी वॉल्यूम में कितने परसेंट एरर होगी। क्लियर, इतना चीज समझ में आया? तो अब बताइए, तो अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हमने इसकी साइड एज्यूम की कि एक्स है। क्लियर, तो ए बी एक्स होगी और ए बी एक्स होगी, क्योंकि स्क्वायर से बनने वाले जो बॉक्स है उसी को हम क्यूबिकल बॉक्स बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ से अगर बात की जाए तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, अब उसने क्या गिवन है, x में परसेंटेज इधर, मतलब x में परसेंटेज इधर दिया है आपको 1, तो इसका मतलब आपको क्या दिया है, डेल x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू 1। क्लियर, अब डेल x कोई छोटा सा वैल्यू होगा देन उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल x इज एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट डी एक्स के क्या होगा, बराबर छोटा सा वैल्यू होगा ना, तो उसको डी एक्स के इक्वल हम मान सकते हैं, होता नहीं है लेकिन लगभग में अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं। तो यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्लियर, हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज इधर किस में, वॉल्यूम में, हमें ए फाइंड करना है। क्लियर, डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम का इक्वेशन क्या, हमारे पास वी इज इक्वल टू एक्स क्यू है, इसका डेरिवेटिव कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x2, यहाँ से डी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x2 इंटू डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, सिंपल प्रोसीजर चल रहा है। ओके, तो देखो एक एक स्टेप आप करते जाइए, आपको क्वेश्चन बनता जाएगा। क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि अगर कोई क्यूबिकल बॉक्स है उसकी साइड मेजर करने में हमें 1% का क्या हो जाता है, इधर हो जाता है, तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट इधर होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं, यहाँ से डी भी आ गया, अब दोनों साइड पे हमें क्या करना है, हमें v से डिवाइड कराना है, ठीक है, तो 3x2 यहाँ पे भी v से डिवाइड होगा और यहाँ पर dx रहेगा। क्लियर, अब v का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखिए एक्स क्यू है, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए तो यहाँ से तो डी भी अपॉन भी आ जाएगा, यहाँ से 3x2 अपॉन एक्स और dx, तो यहाँ से डी भी अपॉन भी एक एक्स क्यू है, ये x2 वन टाइम बचेगा, तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर, इतना चीज चमका कि नहीं चमका, ठीक है ना। तो इक्वेशन अब हमें क्या मिल गई, डी भी अपॉन भी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए हमें तो परसेंटेज इधर निकाल ली है, तो एक काम क्यों ना करें, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किससे कर दें, 100 से, ठीक है। तो अब बताइए 100 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिला, 3v अपॉन v मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3, और हम जानते हैं कि डेल y अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होता है, dv के, तो dv के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सॉरी डेल v, ठीक है ना, डेल v किसके इक्वल आ जाएगा, dv के, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए तो यहाँ से डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर, तो हमें मिल गया कितने परसेंट की एरर हुई वॉल्यूम में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरर, एरर एरर इन मेजरिंग वॉल्यूम कितने परसेंट का हुआ, 3% का एरर हुआ। क्लियर हुआ सारे बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चन करना है परसेंटेज एरर के, ठीक है। केवल आपको परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको एब्सोल्यूट एरर आनी चाहिए, रिलेटिव एरर आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है एक एक प्रकार से, ठीक है ना, आपको देखना है किस में एरर हुई, किस में एरर पूछ रहा है, बस एक क्वेश्चन आपने देखो, स्टेप 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करूँ तो दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, 2 points, एक तो एरर किस में हुई, ठीक है ना, एंड
पूछा किस में है, ठीक है ना, ठीक है ना, इधर किस में हुई और आस्क इधर, ठीक है ना, किसके बारे में पूछा। ये दो पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, इनको अगर आपने पहचान लिया क्वेश्चन में पढ़ के तो आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। इधर जिस पॉइंट जिस चीज में हुई उसको और किस में पूछी इसको, इसको पहचान लिया तो आप फिर क्वेश्चन को कर ले जाओगे, क्लियर। तो इधर समझ में आया किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्लियर। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने, देखते रहें KJ Revolution। KJ Revolution की तरफ से आप सभी को गुड बाय।